नाउ, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने आपको क्या पढ़ाया था, लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में, एस्थेनोस्फेयर के बारे में पढ़ाया था। आज हम उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका, द लीनियर रिज फाउंड इन द मिडल ऑफ द ऑल ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड मिड ओशनिक रिज। तो एक लीनियर रिज मतलब कि एक लाइन, इरेगुलर सी लाइन जो मिडल ऑफ द ओशन मिलती है, उसको क्या कहते हैं हम, मिड ओशनिक रिज कहते हैं। और वहीं पे मेनली एक्टिव वॉल्केनोस पाए जाते हैं, और वहीं पर न्यू ओशन क्रस्ट भी क्रिएट होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिड ओशनिक रिज कहते हैं। तो इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्लेयो मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म क्या होता है, ये स्टडी होती है जो ये बताती है कि पहले हमारे जियोलॉजिकल पास्ट में किस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड रही होगी इन दी रॉक्स सेडिमेंट्स एंड दी आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स में। ठीक है, तो प्लेयो मैग्नेटिज्म कौन सी स्टडी है आपकी, जो कि आपको ये बताती है कि आपके जियोलॉजिकल पास्ट में, हमारे जियोलॉजिकल पास्ट में कौन सी मैग्नेटिकल फील्ड हो रही होगी रॉक्स में, सेडिमेंट्स में, या फिर आर्कोलॉजिकल मटेरियल्स में। नाउ मेजर प्लेट्स ऑफ द वर्ल्ड, अब हम पढ़ेंगे मेजर प्लेट्स ऑफ द वर्ल्ड मीन्स कौन कौन से मेजर प्लेट्स हैं। ये आपका आता तो नहीं है वैसे बेसिकली, पर आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द मेजर प्लेट्स। पहली आपकी यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एंटार्क्टिका प्लेट, पैसिफिक प्लेट, एंड देयर आर सेवन मेजर प्लेट्स। दीज आर सेवन मेजर प्लेट्स, एंड इसके अंदर फर्दर मोर 20 माइनर प्लेट्स भी आती हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि सेवन मेजर प्लेट्स होती हैं। नेक्स्ट, अब हम आज पढ़ेंगे प्लेट बाउंड्रीज एंड प्लेट मार्जिन्स के कुछ टाइप्स, मतलब टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। प्लेट बाउंड्रीज कैसे क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए, प्लेट बाउंड्री आपका वो सरफेस ट्रेस होता है, या फिर वो मोशन होता है जहाँ पर दो प्लेट्स के बीच में मोशन क्रिएट होता है। ठीक है, तो उनको प्लेट बाउंड्रीज कहते हैं। तो वो प्लेट बाउंड्रीज आपका वो सरफेस होता है जहाँ पर क्या होता है, अर्थक्विक के आने पे या फिर कोई भी डिस्टर्बेंस होने पे मोशन क्रिएट हो। ठीक है, दीज टू प्लेट्स, जो ये जो दो प्लेट मार्जिन्स हैं वो एक कॉमन प्लेट बाउंड्री पे मीट करते हैं। दीज टू प्लेट मार्जिन्स मीट एट अ कॉमन प्लेट बाउंड्री एंड द प्लेट मार्जिन इज अ मार्जिनल ऑफ पर्टिकुलर प्लेट। और ये जो आपका प्लेट मार्जिन्स है ना, ये एक मार्जिनल पार्ट होता है एक पर्टिकुलर प्लेट का। ठीक है, अब हम टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स आपका मेजर चीज़ है। सबसे पहले तीन तरीके के टाइप्स होते हैं, डाइवर्जेंट टाइप, कन्वर्जेंट टाइप एंड ट्रांसफॉर्म टाइप। डाइवर्जेंट टाइप क्या होता है, डाइवर्जेंट का क्या मतलब होता है, एक दूसरे से दूर भागना। ठीक है, डाइवर्ज होना। सो व्हेन द टू प्लेट्स मूव अवे और डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर, दिस टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री इज ऑल्सो नोन एज कंस्ट्रक्टिव और एक्रीटिंग प्लेट बाउंड्री। देखिए, इन प्लेट बाउंड्रीज को आप एकदम अच्छे से समझिएगा, आगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझने में यही आपको बहुत अच्छे हेल्प करेंगे। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या होती हैं, कि जब दो प्लेट बाउंड्रीज जो हैं एक दूसरे से दूर जाती हैं या डाइवर्ज होती हैं, उनको डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहते हैं। ठीक है, और इनका दूसरा नाम क्या है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। या कंस्ट्रक्टिव क्यों कहा गया है, कंस्ट्रक्टिव इसलिए कहा गया है क्योंकि इनकी डाइवर्ज होने की वजह से न्यू क्रस्ट क्रिएट होता है, मीन्स कुछ कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक है, या फिर एक्रीटिंग प्लेट बाउंड्री भी कहते हैं इसको। नाउ नेक्स्ट आता है आपका कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट का क्या मतलब होता है, कन्वर्ज का मतलब होता है एक दूसरे के पास आना। ठीक है, कन्वर्ज करना। सो ये वो प्लेट बाउंड्रीज, जब आपकी प्लेट बाउंड्रीज एक दूसरे के पास आती हैं या कन्वर्ज होती है, तो उसको कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री कहेंगे। और इस टाइप की प्लेट बाउंड्री जो होती है उसको और क्या कहते हो आप, डिस्ट्रक्टिव या कंज्यूमिंग प्लेट बाउंड्री। अब यहाँ डिस्ट्रक्टिव और कंज्यूमिंग क्यों कहा गया है, क्योंकि इस प्लेट बाउंड्री के पास यहाँ डिस्ट्रक्शन क्रिएट होता है, मतलब कि जो भी क्रस्ट होगा वो डिस्ट्रक्ट होगा। ठीक है, या फिर प्लेट बाउंड्रीज ही डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी। आगे आप पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, फिलहाल इनके नेम्स और ये होते क्या है, इनमें किस तरीके का मोशन होता है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। इसमें क्या होता है, जब दो प्लेट्स ना तो कन्वर्ज करें ना तो डाइवर्ज करें, बस एक दूसरे से स्लाइड करते चली जाएं, तो उनको हम ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री कहते हैं। और इस टाइप की प्लेट बाउंड्री का दूसरा नाम क्या होता है, कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री। सबके नाम अलग अलग हैं, प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज, कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री। देखिए, अब मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊँ अगर, तो ये आपकी एक प्लेट बाउंड्री, ओके, और ये आपकी एक प्लेट बाउंड्री। ये जब एक दूसरे से दूर जाएं, तो यहाँ जगह क्रिएट हो रही है कि नहीं, तो मतलब यहाँ पर एक न्यू क्रस्ट आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ नीचे एक वॉल्केनो होगा, तो वॉल्केनो जब इरप्ट करेगा तो यहीं पे तो माग्मा इरप्ट करेगा और ओशन के अंदर फटाफट से सॉलिडिफाई होकर यहाँ पर न्यू क्रस्ट क्रिएट हो जाएगा, इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री कहा गया है। ठीक है ना, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, नहीं तो प्लेट टेक्टोनिक वाले टॉपिक में मैं आपको और अच्छे समझा दूंगी। नाउ नेक्स्ट,
जब ये दो प्लेट बाउंड्रीज एक दूसरे के पास आए तो वो कंस्ट्रक्टिव सॉरी कन्वर्जेंट टाइप बन जाती है, मतलब कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बन जाती है। और इस केस में क्या हो रहा है, देखो दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो दोनों का कुछ ना कुछ एरिया डिस्ट्रक्ट होगा कि नहीं होगा, या फिर कुछ ऐसा केस होता है इन दोनों में से जो डेंसर प्लेट होगी ना वो एक के नीचे आ जाएगी और जो लाइटर वाली होगी वो एक के ऊपर आ जाएगी, तो एक को ख़त्म होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ख़त्म होना पड़ता है, इसलिए इसको डिस्ट्रक्टिव या कंज्यूमिंग प्लेट बाउंड्री कहते हैं। अब नेक्स्ट आपका क्या होता है कि जब आपकी दो प्लेट बाउंड्रीज ना तो कन्वर्ज करें ना तो डिस्ट्रक्ट करें, सिर्फ एक दूसरे से स्लाइड होकर चली जाएं, एक दूसरे से टच होके स्लाइड होके चली जाएं, ठीक है। तो ये आती है आपकी ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। आई होप आपको ये तीन चीज़ें क्लियर होंगी बहुत अच्छे से, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, और कोई ज़्यादा मुश्किल भी चीज़ नहीं है एंड नॉट सो कन्फ्यूजिंग। ओके, सो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।